on it. He didn't have no tires. And he also, a throw truck, a blue throw truck to help him and him. Yeah, he can go to straw. He can go to straw, a big truck. Oh, yeah. I can take a class, okay? Vihan, who's happy to you coming? Yeah. Who's happy to you coming? I'm again Vihan. And what gift you want? And Bahani wants, Avyan wants? Superman Halloween. Superman Halloween. And which cake you want? Halloween. Halloween cake. No. Yeah. Bunny, which cake you want? Superman. Halloween. But this, when Hannah will Halloween will come, then we will make Halloween cake. But it's happy to you, no? So we will make car cake or Superman cake or Spider-Man cake or Paw Patrol cake. I want. I want Halloween. Okay, you want Halloween? Okay. Come, Ragana. Come, you want Halloween cake? Okay, Kandipok. Why are you crying? Halloween cake. Okay, Halloween cake. But you don't want Paw Patrol cake? No. Okay. Good morning, guys. Welcome back to the channel. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. And आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे सुंदर से कलरफुल से गार्डन में. कितना सुंदर लग रहा है देखिए. पिटूनिया प्लांट्स ना शोभा बढ़ा देते हैं बैल्कनीज की. बहुत अच्छा लगता है. बट ये जो यस बेबी वाओ वाओ इज अ बर्ड कार फ्लाइंग वेरी गुड. सो गाइस ये जो यहाँ पे ग्रास वाला मैट डाला है ना ये एवरी 15 डेज में अच्छे से निकाल के झाड़ के बालकनी को धो देते हैं देन वापस से ये डाल देते हैं. बट आई थिंक जब भाई भाभी आए थे उससे पहले ही बालकनी क्लीन हुआ था, उसके बाद क्लीन नहीं हुआ है. प्लांट्स वगैरह रखे हैं तो शिवा क्लीनिंग नहीं कर पाता है, उसको प्लांट सारा निकाल के दो देन जाके वो बालकनी क्लीन करता है. तो सोच रही हूँ अभी प्लांट्स में थोड़ा पानी दे देती हूँ देन ये जो दो स्टैंड्स हैं इसको अंदर ले जाऊँगी घर के अंदर, हाँ, ताकि वो कल आके ये अच्छे से बालकनी जो है वो क्लीन कर ले. एंड देखिए गाइस सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत ये देखिए ये मनी प्लांट सब कुछ बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. आई डोंट नो क्या होता है, तुलसी का पौधा बिल्कुल भी नहीं रहता है. मुझे समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत होता है तुलसी के पौधे में. जितनी बार भी हम लोग लाते हैं वो बस एक दो महीने में ही हाँ ख़त्म हो जाता है. पता नहीं क्या है, आप लोगों को अगर पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना. क्योंकि इतने फ्लावरिंग प्लांट्स अगर रहते हैं तो तुलसी का पौधा पता नहीं क्या होता है, हर मंथ में हर दो तीन महीने में एक तुलसी का पौधा मैं खरीद के लाती हूँ. इस बार इतना बड़ा सा लेके आई थी बट देखिए. एनीवेज मुझे कमेंट करके बताना. फिलहाल मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे देती हूँ देन पौधों को अंदर ले जाऊँगी. All the good times just begun. Ta ta na ta na. Mama. Hello. This water come from here. This water come from okay. Here to there. Haso to wala kina. Mommy. Chali jagat jina. Jagu. Do kolori ghori khele. Nila charana. Engineers. Mama, this is new fishing rod. Yes. Very good. See, it will die like this. So when you will today Gadi, you can do fishing with this, okay? Yeah. And honey will grow. You can take this to swimming pool also. Yeah, and honey will grow. Okay. And then fish with the mouth down.
तो यहाँ पे मेरे लिए बना रही हूँ बॉयल चिकन। इसमें मसाला वगैरह ऐड करूँगी, अभी ऐड नहीं किया है। एंड बाकी जीत संग्राम माया हनी बने उनके लिए चिकन करी बना दूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे चिकन अभी से मैरिनेट करके रख दूँगी, रात को बस बन मतलब शाम को बस बनाऊँगी। तो यहाँ पे एक दो मैंने आलू भी लिया है, हम लोग नॉन वेज चिकन मटन फिश में आलू ऐड करते हैं, तो आलू भी उसी के साथ में ही मैरिनेट कर दूँगी। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे पहले मैं ऐड करूँगी नींबू का जूस। आलू यहाँ पे मैंने छिलके के साथ इसीलिए लिया है ताकि अगर आलू ज़्यादा गल भी जाता है ना करी में, तो फिर वो ग्रेवी में ज़्यादा मतलब मिक्स नहीं हो जाएगा, उसी छिलके के अंदर ही रहेगा, इसीलिए छिलके के साथ ही यूज़ करती हूँ मैं। थोड़ा सा आप चाहो तो हल्का सा फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो। तो ये करीब हाफ नींबू का जूस, बड़े साइज़ का नींबू था उसका हाफ जूस ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दही करीब 2 चम्मच, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, मीट मसाला, नमक, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा, बस इसको मिक्स करके करीब 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। देन जब बनाना होगा बस प्याज को भुनेंगे, प्याज भुनने के बाद टमाटर को अच्छे से भुन लेंगे, थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड करके, एंड बस इस मिक्सचर को उसमें ऐड करके बस इसको कुक करना है और कुछ नहीं करना है। बस अच्छे से मतलब तेल निकलने तक मसालों से तब तक कुक करना है। मैंने अपने वार्डरोब में संग्राम को जगह नहीं दिया उसको निकाल दिया कि तो चला जाए यहाँ से, तो संग्राम को भाभी वाला जो जगह था ना वो वाला दिया, तो संग्राम रखेगा अपना। अच्छा रख दिया है संग्राम ने। ओके ओनली ब्लो एयर, ओके। बबल्स कमिंग। एंड यहाँ पे मैं अपना सलाद बना रही हूँ। चिकन मेरा ये इवनिंग का है, कल जो बनाया था वो लंच के लिए रखा है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि समाया बोल रही है कि हम लोग भी सब लोग यही खा लेंगे बॉयल वाला। ये सारे मसाले धनिया पत्ता कड़ी पत्ता सब कुछ ऐड किया है, तो बस ये थोड़ा सा और पानी इसका कम हो जाए देन इसका गैस में ऑफ मतलब फ्लेम में ऑफ कर दूंगी। सो ये है मेरा लंच, 200 ग्राम चिकन। एक्चुअली मैं मेरे पास फूड वेइंग मशीन नहीं है, ऑर्डर किया है आज आ जाएगा। कल मैं 400 ग्राम चिकन लेके आई थी तो उसका आधा आधा कर दिया था कि हाँ 200-200 ग्राम होगा, अंदाजे से ले रही हूँ, बट एक बार वेइंग मशीन आ जाएगा तो प्रॉपर लूँगी। सलाद एंड 1 कप ब्राउन राइस खाने के लिए बोला था, बट ब्राउन राइस मेरे पास है नहीं, तो थोड़ा सा मैंने ये काला चना जो है वो ले लिया है। तो इसके साथ में एक मल्टी विटामिन का टैबलेट बोला है, तो बस ये लंच करने के बाद एक मल्टी विटामिन का टैबलेट एंड जिम जाने से पहले एक ब्लैक कॉफ़ी। बदमाश है, उस संग्राम को काम पे लगाया, देखो कपड़े सुखाने के लिए, जो काम मैं आज तक जीत से नहीं करवा पाई वो माया कर लेती है संग्राम के साथ। बेचारा बेचारा जाओ तो हेयर स्पा करे। बॉडी इतना पेन है, कल वो सब करके ना इतना दर्द हो रखा है, पता नहीं कैसे करूंगी आज। एनीवे जाके आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। Are you happy to go to school? Yeah. Like your school? Yeah. And what you do in school? We play. Play and write your name also? Yeah.
Now we only we write. But today also you have to write. More? Yeah. Yesterday we write? Yesterday you wrote. Write? But we don't want to write again. Mm-hmm. You have to write every day to go every day. We only divide. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. This हो गया है बाप रे आज तो और ज़्यादा और बॉडी इतना पेन हो रहा था ना ज़्यादा दर्द हुआ मुझे आज और ये मैंने गोल्ड जिम ज्वाइन किया है काफ़ी फेमस है ये गोल्ड जिम देखते हैं मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक बनाना खाऊंगी देन कुछ आज सामान जब लेना है सुपरमार्केट से देन हनी बनी को पिक करके घर चलेंगे तो चलिए धूप भी बढ़ गई है मिलती हूँ आपसे घर जाके फ्रेश हो गए Where you went? I ice cream and then what happened कि honey bunny ने बोला कि नहीं मुझे surprise एक चाहिए मैंने बोला कि नहीं नहीं मामा बिगी करेगी ठीक है बोली no we will take okay जब तक हम lift तक आए वो बोल रहे हैं कि no mommy we will put it back mama will biggie बनो come here Why you got surprise eggs? Huh? Kali pan. Mama already gave you, na? After coming from home or school, mama already gave you, no? Why you got another? My god, or you got? My god. My मतलब जबरदस्त दिला मैं तो थे, हाँ? मैं तो जबरदस्त ही दे दिला. मुझे भी my first will keep it in the fridge. Okay, remove it. Keep it in the shoe rack. Go, shoe rack. Keep it in the shoe rack. No. To go, then mine will not give you surprise. Go, keep it in the shoe rack. Go. Quickly. Good boy. Be a good boy. Then honey will... You got ice cream. To go. You will eat ice cream in front of mama. Mama can't have baby. You don't want to have that? I want to have, but I can't have. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Crickets see the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Play here. ये प्याज टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना वो सारा इसमें अभी ऐड कर देंगे जा देन इसको हाई फ्लेम में अच्छे से कुक करेंगे जब तक सारा पानी नहीं निकल जाए देन इसको मीडियम फ्लेम में पूरा पानी ड्राई होने तक एंड मसाले से ऑयल निकलने तक इसको कुक करेंगे तो टोटल करीब आधा घंटा 45 मिनट्स लगेगा अच्छे से कुक होने के लिए इसी में ही चिकन भी कुक हो जाएगा एंड आलू भी कुक हो जाएगा अच्छे से बस थोड़ी देर के बाद इसमें मैं धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड करूंगी व्हाट यू मेड डॉग हाउस ओहो अ बिल्डिंग यू मेक हाउस फॉर हनी बनी विवान थ्री ऑफ यू कैन स्टे हनी बनी एंड विवान मेक अ हाउस बिग हाउस बट डोंट ब्रिंग कुशन्स सो गाइस
ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो गया है एंड चिकन करी इज़ रेडी, बट मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि राइस में खाएंगे ये लोग तो अच्छे से खा पाएँ। तो हल्का सा ग्रेवी रखने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, गरम पानी, तो वहाँ पे पानी गरम कर रही हूँ। सो जी ये हो गया मेरा रात का खाना, एक रोटी, बॉयल चिकन एंड ये थोड़ा सा सलाद, ये हो गया वो चिकन एंड उन लोगों का चिकन भी रेडी है, बाकी सबका चिकन भी रेडी है मेरा। सुबह सुबह शिवा ने घर की सेटिंग चेंज कर दी है, ऐसे बीच बीच में वो करता रहता है ताकि थोड़ा नया नया लगे एंड ऐसे सेटिंग में घर बहुत खाली खाली लगता है, स्पेशियस लगता है, अच्छा लगता है। एंड संग्राम भी सुबह उठ गया था, हम लोग सब लेट उठे तो संग्राम उठ के सारे कपड़े उसने फोल्ड कर दिए, माया ने प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया है, कल उसने कपड़े सुखाए थे आज कपड़े फोल्ड भी कर दिए है माया, प्रॉपर ट्रेनिंग। ये रहे शिवा महाराज। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तेलुगु में बोल। हेलो अंदर बागुनारा। माया प्रॉपर ट्रेनिंग संग्राम को, कल कपड़े कैसे सुखाना है, कैसे फोल्ड करना है। नहीं उसको आता है लेकिन पता नहीं इंडिया जाके क्या हो गया, अभी इतना लेजी लेजी, बहुत लेजी हो गया। इंडिया जाके मम्मा के साथ में रह के संग्राम बिगड़ गए। आंटी सर अच्छा है, संग्राम सारा काम आता है लेकिन तो क्या ये मैडम अच्छी नहीं है? नहीं दोनों अच्छा है मेरे काम। तूने क्यों बोला, तूने क्यों बोला कि सर अच्छा है? खाली बोला ना सर ने हेल्प किया है, बहुत मदद की है, मेरे को ज्यादा हेल्प किया सर। तो सोफे के नीचे पीछे साफ कर दिया ना? सब कर दिया। तो चलो बाय बाय बोल दे। बाय बाय। So guys, आज है next day and ये रहे मेरे पति देव। क्या बात कर दिया, हम तो दोस्त थे कल तक, अब पति पत्नी वाला कैसे जा? पति पति है तो यहाँ नीचे झुक के चरण स्पर्श करो। किसने बोला है कि पति है तो नीचे झुक के चरण? तो फिर दोस्ती रखो ना, रिश्तेदार में रिश्तेदारी। पति में भी किसने बोला? मुझे वैसे भी रिश्तेदार पसंद नहीं, रिश्तेदार आके परेशान करते हैं। कौन कौन ये बात मैं मुझे बोलना चाहिए, आपको नहीं मुझे बोलना चाहिए। ये जो मेरे क्लोज रिलेटिव है ना, सबसे क्लोज रिलेटिव, इसकी बातें फालतू की बातें छोड़िए। हम लोग बहुत मस्त एक ऑमलेट एंजॉय कर रहे हैं आज। संग्राम पूरा शेफ बना हुआ था तो कैन यू कीप क्वाइट, मामू हैज मेड सो नाइस यू नो एक सैंडविच विद सम चीज एंड मेरे नसीब में नहीं था खाना, बट सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया है। वो अपना होटल मैनेजमेंट स्किल यूज करके मस्त मस्त ऑमलेट बनाता है। वो सब बातें ठीक है, वो खाते पीते रहेंगे। आप ये बताएं कैसे हैं आप? फैंटास्टिक। होप कि आप वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे हमारी तरह, तो मौज मस्ती करते रहिए। आज जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगी मैं, मतलब आज वाले ब्लॉग में, जब ये कल का ब्लॉग एंड कर रही हूँ मैं, फिर वीकेंड ब्लॉग में आप स्टार्टिंग से हो गए, अभी आप ब्लॉग एंड कर रहे हो, कंफ्यूज या मत जाओ। इसलिए बोल रहा था ना दोस्ती यारी तक ठीक है, यहाँ रिश्तेदारी आते हैं ना बीच में। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी तो बैंड बजी हुई है, मैं सुबह आज मुझे इतनी जोर से छिटकू आ रही थी और मैं बैंड से उठ नहीं पा रही थी कि कोई हाथ खींच के उठा दे, पूरा दर्द सब दर्द। ये मेरे नारियल के पेड़ जैसा पीछे से क्यों निकला हुआ है? आप अपने आप को देखते रहो बस कैमरे। चलिए गाइस, ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज गिव योर थम्स अप, लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।